करेंगे विधानसभा की। विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हुई। बता दें कि आज सदन की कार्यवाही के दौरान कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड संशोधन विधेयक 2022 को पारित कर दिया गया। साथ ही साथ आज 16,306 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश हुआ। आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कई तरह के मुद्दों पर चर्चा तो हुई, साथ ही साथ अनुपूरक बजट भी पेश हुआ। तो विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। वहीं आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा अब कल पोस्टपोन हो गई, यानी कल अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। आज दूसरा दिन था और आज ही के दिन द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश हो गया। 16,306 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट आज पेश हुआ। अंशदायी पेंशन के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान लागू हो गया, तो वहीं अटल गृह ज्योति योजना के लिए 3,150 करोड़ का प्रावधान जारी हुआ। इधर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 258 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई। साथ ही साथ सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 88 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृत किया गया। इसके अलावा आयुष्मान भारत के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान भी पारित हो चुका है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के लिए 350 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई। चलिए इस खबर पर संवाददाता सूरज का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, आज की अगर सदन की कार्यवाही को देखा जाए तो पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक भी हुई, लेकिन कई तरह की चीजों को पेश किया गया, कुछ विधेयक पारित भी हो गए। कल की बात अगर करें, कल अविश्वास प्रस्ताव पर सभी की नजर रहेगी। आज की बात करें तो दोपहर के बाद, लंच के बाद चार महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी थी, जिसमें खासतौर से भू राजस्व संहिता था, इसके अलावा कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड की बात हो, ये अन्य दो विधायक विधेयक जो है उन पर चर्चा होनी थी। खासतौर से थोड़ी बहुत हुज्जत के बाद, बहसा बहसी गर्मा हंगामे के बाद चारों विधेयक पास हो गए हैं। और इसी बीच द्वितीय अनुपूरक बजट जो 16,000 करोड़ का ज्यादा का है, वो बजट पेश हुआ है और कल इस पर चर्चा होनी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि दोनों पार्टियां जो है अब तैयारी कर रही, कल किसका अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा जब उस पर चर्चा की जाएगी। पक्ष इसी तैयारी में है कि किस तरीके से, एक तरफ जहां कांग्रेस रणनीति बना रही है कि किस तरीके सरकार को घेरना है, तो वही दूसरी तरफ सरकार भी पूरी तैयारी में है कि कांग्रेस के सवालों का जवाब कैसे देना है। शुभंगी, बिल्कुल सही कहा सूरज आपने। जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी ने भी कल विधायक दल की बैठक बुलाई थी और कल देर शाम ही रणनीति तय की गई थी कि किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के सवालों के जवाब देने हैं। देखना होगा कल सदन की कार्यवाही में कितने हंगामे होंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के लिए 350 करोड़ रुपए की राशि आज स्वीकृत हुई। कई विधेयकों को आज पारित भी किया गया, साथ ही साथ कई योजनाओं पर आज विस्तृत चर्चा भी सदन में हुई। इधर सदन का माहौल थोड़ा गर्माया भी जब पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हुई, लेकिन इसके अलावा आज अनुपूरक बजट भी सदन में पेश किया गया।